नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। चौहटन पुलिस ने मंदिर चोरी की घटना का खुलासा किया है। दो जनों को गिरफ्तार कर बरामद की है चोरी की सामग्री। थानाधिकारी भूटाराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दो संदिग्धों को दस्तियाब कर चोरी का राज उगलवाया। एएसआई सुभान अली में पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान धर्मपुरी मंदिर के पास दो संदिग्ध आरोपी पकड़े। देवाराम पुत्र टिकमा राम भील व श्रवण पुत्र पारू भील निवासी बांधनिया गंगा सरा को संदिग्ध अवस्था में दस्तयाब किया था। पूछताछ में तोर्णिया मंदिर में से चोरी करना स्वीकार किया है। जिनकी चोरी नकदी मूर्ति के आभूषण व प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। चौटन पुलिस ने मंदिरों में चोरी के दो मुलजिमों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। के आरोपी पकड़े, कहां से सूचना मिली और इन्होंने कहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था? दिनांक 20/5/2022 को रात्रि में कस्बा गश्त के दौरान हमारे को एक मोटरसाइकिल मिली, जिसके दो शख्स संदिग्ध अवस्था में मिले, जिन्हें धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उनकी जमानत हुई और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने मंदिर से तोर्णिया मंदिर से चोरी करना स्वीकार किया और उनकी निशाई देश के आज माल बरामद किया गया तथा उनके द्वारा चोरी में काम में लिए गए सेंधमारी के औजार भी बरामद किए। सर, इनके पास क्या माल बरामद है और भी इन्होंने कितनी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? और किसी चोरी के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तोर्णिया मंदिर से ही तिजोरी तोड़ करके उसमें से सिक्के व कुछ रोकड़ रुपये हैं वो चोरी के जो हैं इसे बरामद हुए हैं। उसके जो आभूषण थे मूर्ति के वो भी बरामद किए गए हैं, जो संभवतः किसी धातु के ही हैं।